वेलकम टू माई YouTube चैनल, माई सेल्फ कमलेश रावत। आज मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा और गाड़ी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसमें बोलते हैं कि 5 मिनट में गाड़ी चलाना सीखिए, 8 मिनट में, 10 मिनट में, वो सब फेक है। तो 8 मिनट में, 5 मिनट में गाड़ी चलाना नहीं सीख सकता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो डायरेक्ट चलना नहीं सीखता, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, मैं आपको गाड़ी के अंदर चल के बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा जो सीट होती है, ये सीट को हमने अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है, जैसे कि हम क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर तक आराम से पैर पहुँच जाए, ठीक है। तो ये करेंगे। उसके बाद दोस्तों, जो हमारी जो सीट बेल्ट होती है, सीट बेल्ट को हम इस तरीके से लगाएंगे, जो ये दोस्तों हुक होता है। उसके बाद हमने इसको इस वाले में खांचे में फंसाना है, ठीक है। तो ये हमारा सीट बेल्ट लग जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, फिर आ जाते हैं हम अपने ABC की तरफ। A4 होता है दोस्तों हमारा एक्सीलेटर, B4 होता है हमारा ब्रेक, और C4 होता है हमारा क्लच, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाते हैं हम अपने गियर की तरफ। ये गियर होता है दोस्तों हमारा, ये गियर देखिए, लेफ्ट करके और आगे की तरफ धकेलेंगे तो ये लगता है हमारा फर्स्ट गियर, और ये लगता है फिर हमारा बीच में न्यूटन, ठीक है। और उसके बाद हम लेफ्ट करके और फिर उसके बाद पीछे खींचेंगे तो ये लगता है हमारा सेकेंड गियर, और जो बीच में आता है फिर ये होता है हमारा न्यूटन। और जब हम इसी तरीके से लगाते हैं थर्ड गियर, ठीक है, और बीच में लाते हैं फिर ये होता है हमारा न्यूटन। देखिए, ये फिर ये हो गया, ये न्यूटन हो गया। उसके बाद ये जब पीछे खींचते हैं तो ये लगता है हमारा फोर्थ, ठीक है। इसी ढंग से हमारा जो फिर राइट करते हैं और उसके बाद करते हैं हम फिफ्थ गियर, लग गया ये फिफ्थ गियर लग गया दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जो ये R लिखा हुआ, ये होता है दोस्तों रिवर्स, ठीक है, बीच में आ गया। उसके बाद जब हम फिर राइट करते हैं और पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये लग जाता है हमारा रिवर्स, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम अपने हैंड ब्रेक के बारे में। तो ये अभी दोस्तों जैसे मेरी गाड़ी खड़ी है तो ये होता है हमारा हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक हमारे चारों जो व्हील होते हैं उसको कवर करता है, ठीक है। तो जो ये है हैंड ब्रेक, तो इसको जैसे अभी खींचा हुआ मेरा, अब इसको नीचे की तरफ करूँगा मैं तो मेरा गाड़ी चला सकता हूँ, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम इसको दबाते हैं उसके बाद हम इसको उठाते हैं, ठीक है, इसके बाद हमारी गाड़ी एक भी इंच आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने स्टीयरिंग की तरफ, ठीक है। स्टीयरिंग जैसे दोस्तों देखिए, मेरा हैंडल इस टाइम पे, मेरी चाबी मेरे पास है और अब स्टीयरिंग इस टाइम पे लॉक है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि चाबी कैसे लगानी है। चाबी दोस्तों देखिए, चाबी होती है ये, ठीक। चाबी को हम इस तरीके से लगाएंगे। चाबी के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप करूँगा मैं तो इसमें हमारा हैंड फ्री होगा, ठीक है। ये देखिए, हैंड फ्री हो रहा है, हैंड फ्री। और दूसरा जब स्टेप करूँगा तो उस टाइम पे हमारी बैटरी यहाँ पे शो होगी, देखिए बैटरी शो हो रही है, सब कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब थर्ड वाला करते हैं, थर्ड वाला करेंगे तो हमारी गाड़ी इस टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी। सुन पा रहे होंगे आप आवाज़ कि हमारी गाड़ी अब हुई इस टाइम पे स्टार्ट। तो गाड़ी अब आगे बढ़ाना चलाना सिखाते हैं, आगे चलाना सिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमने सेल्फ कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमारा फर्स्ट गियर है इसको हम लेफ्ट करके और आगे की तरफ धकेलेंगे तो ये हमारा फर्स्ट गियर हो गया। और दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि क्लच है, ठीक है, ये हमारा क्लच है, तो क्लच को हम आराम आराम से छोड़ेंगे तो गाड़ी हमारी इस तरीके से आगे जाएगी। देखिए, आगे जाने लग गई हमारी गाड़ी इस टाइम, ठीक है, ये हमारी इस टाइम पे आगे जाने लग गई, ठीक, देख पा रहे होंगे आप। और उसी तरीके से हम बैक गियर लगाएंगे, तो बैक गियर जो होता है, अब हम बैक गियर लगाएंगे तो हमें करना पड़ेगा ये राइट के तरफ और सीधा पीछे खींचना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम हल्के हल्के क्लच छोड़ेंगे और स्टेयरिंग हमारा सीध रखेंगे, क्योंकि जो हमारे व्हील होते हैं ये स्टेयरिंग के थ्रू ही हमारे लेफ्ट राइट चलते हैं, ठीक है। तो हम अब देखेंगे कि पीछे की तरफ हमारी गाड़ी चलना शुरू हो गई है कि आराम आराम से छोड़ना है, पूरा नहीं छोड़ना क्लच को। कभी भी हमें क्लच हम अगर पूरा छोड़ेंगे तो हमारी गाड़ी इस टाइम पर बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने गाड़ी चलाना सीखा है, सिर्फ आगे और पीछे करना। और आगे आते ही मैं बहुत सी वीडियो लेके आऊँगा जिसके थ्रू। सो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन बटन है उसको दबा दीजिए, जिसके थ्रू आपके पास मेरी जो बनाई हुई वीडियो, जो नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। सो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।